के पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकन को रिक्वेस्ट की है, स्टेट डिपार्टमेंट को, व्हाइट हाउस को, कि वो जो 1.2 बिलियन डॉलर है वो रिलीज किया जाए IMF का, ताकि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इंडिया ये जो ऑप्टिक्स हैं इसको कैसे देखता है कि एक तरफ जो सर, सिविलियन गवर्नमेंट जो है दे हैव नॉट बीन इन अ पोजिशन कि वो चीजों को चला सकें, दूसरा द आर्मी चीफ हैव टू स्टेप इन टू रिक्वेस्ट, ये ऑप्टिक्स इंडिया में कैसे देखे जा रहे हैं? तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, यहाँ पर बात कर रहे हैं कमर चीमा की, किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा ने US से गुहार लगाई है कि उनका जो लोन वोन फंसा है IMF के पास उसे रिलीज़ कराया जाए और मदद की जाए। अब आप देख सकते हो क्या सिचुएशन है। एक और इमरान खान बोलता है एब्सोल्युटली नॉट, और US को हमेशा धमकी देता रहता है। अभी पिछली गवर्नमेंट की ही बात है ना, और अभी भी इमरान खान अपोजिशन में बैठ के यही बात कर रहा है, बिक गए अमेरिका के हाँ, तो इस तरीके की बात है। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ किस तरीके से पाकिस्तान के लिए US से पैसे की भीख मांग रहा है। तो पाकिस्तान एक मतलब ऐसा स्टेट है जहाँ पर इसका एक्स प्राइम मिनिस्टर रहते हुए और अभी अपोजिशन में रहते हुए वही सेम बात करता है, और जो पाकिस्तान का मेन पावर हाउस है वो कुछ और बात करता है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप। मीन टू इंडिया देखिए साहब, ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम द जोक्स एंड ऑल एंड ये सब, ऑल द इनको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, सीरियस जियोपॉलिटिकली बात करते हैं कि GHQ हैज अ वेरी वेरी गुड इक्वेशन विद अमेरिका, और जितने भी पाकिस्तान के टॉप कोर कमांडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिका, इन द सेंस कि पढ़े लिखे हैं वहां पे अमेरिका में, दे हैव स्टडीड इन अमेरिका, स्टाफ कोर्स के लिए गए हैं, हायर कमांड के लिए गए हैं, जो भी कोर्स के लिए गए हैं वहां पे, एंड मोस्ट ऑफ देम अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो अमेरिका से पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस्ड हैं अमेरिकन थिंकिंग से। होता है हमारे भी लोग जाते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, हमारे हर मुल्क में जाते हैं वहां इन्फ्लुएंस होकर आना, जाहिर सी बात है होता है ऐसा। मुझे लगता है कि फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव द ऑप्टिक्स आर गुड, फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव द ऑप्टिक्स आर बैड, क्योंकि आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। एज अ फौजी मैं आपको बता दूं, एज अ फौजी मैं ये मानता हूं कि द इंडियन आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तानी आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। इट्स नॉट अबाउट जनरल बाजवा जी सर, वो बात जनरल बाजवा की नहीं है, जनरल कियानी की नहीं है, जनरल मुशरफ की, ये बात है ही नहीं इंडिविजुअल की, ये इंस्टीट्यूशन की है। मेरा ऐसा मानना है एज एन इंडियन की अब मैं पाकिस्तान की मजबूरी इस वक्त नहीं समझ पा रहा या फुली अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। कुछ तो हुआ होगा कि आर्मी चीफ को बटन करना होगा, और आर्मी चीफ अगर बोलेंगे यूएस को, यूएस मना नहीं करेगा आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को यह बोलेंगे कि आप IMF से बात करिए और हमें पैसा चाहिए, तो आर्मी चीफ को मना नहीं करेगा। शहबाज शरीफ को 10 बार वो मना कर दें, आर्मी चीफ को मना वो नहीं करेंगे, बिकॉज अगर पाकिस्तान का कोई इदारा है जो बिल्कुल पेंटेगन के अंदर घुसा हुआ है, वो पेंटेगन के अंदर घुसे हुए, ये GHQ के अंदर घुसे हुए, इनकी बड़ी सांठगांठ है, एंड दैट इज द पाकिस्तानी फौज, इनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, एंड देर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। वो बीच में तनकीद एक दूसरे की करते हैं, टांगे खींचते हैं, आप उनको बुरा कहते हैं, वो आपको बुरा कहते हैं, लेकिन देर इज एन अंडरस्टैंडिंग, दूसरी बात है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताता हूं कि जो मुझे लगता है फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, इंडिया पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बता दीजिए सर, मुझे इस चीज का लग रहा है कि यहां पे किसी के पास प्लान नहीं है कोई पाकिस्तान में, ना कि देर इज नो प्लान। अच्छा, $1.5 अरब दे दिया IMF ने, दे दिया फॉर एग्जाम्पल, सऊदी ने 3 अरब दे दिया, चाइना ने फिर 3 अरब दे दिया, 2.5 अरब दे दिया, फिर इसने कुछ दे दिया, उसके बाद क्या होगा, वॉट नेक्स्ट? क्योंकि ये सिलसिला नोबडी हैज कम अप। खान साहब, मैं वही कहता हूं ना, मैंने पाकिस्तानी मित्रों से मेरी बात हुई, दोस्तों से बात हुई, मैंने यही बात बोली, मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो इकोनॉमी अच्छी थी दैट वॉज गुड फॉर रीजंस बियॉन्ड प्रेजिडेंट मुशर्रफ कंट्रोल, और अगर इस वक्त इकोनॉमी बुरी है इट इज बियॉन्ड इमरान खान और शहबाज शरीफ का, ये सब क्रेडिट हमारे टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, इसके टाइम पे खराब है ना, इवन देन दे डिड नॉट हैव अ क्लू। पाकिस्तान, एक तो पहले मुझे ये बताएं जरा लाइटर नोट पे, और वो ये है कि सुना है कि इंडियंस जो हैं वो इमरान खान को बड़ा मिस कर रहे हैं। इमरान खान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डुबो दी, बहुत कुछ मामलात खराब किए, तो ये क्या चीज है? हर बंदे जिसे उस समय इंडिया, वो यार हमें इमरान खान बड़ा याद आ रहा है बिकॉज उसने बड़े मामलात खराब कर दिए थे पाकिस्तान में, ये क्या है? मैं आपको इसमें ना हंसी मजाक के अलावा मैं आपको सीरियसली बताता हूँ इशू क्या है। इमरान खान जो हैं
एक तो वो बंदा होता है जो कि पैसे लेके अपने मुल्क के खिलाफ कुछ करता है, तो वो ऐसे नहीं है। इमरान खान आइडियोलॉजिकली साउंड है, उनको लगता है जो मैं कहता हूं वो मुझे कोई डिवाइन प्रोग्रामिंग है मेरे अंदर, और मैं मतलब मैं मेरे फरिश्ते आए हैं मेरे ख्वाब में, और मैंने ही एक्चुअली बिलीव्स दैट। तो ऐसा बंदा जो है दूसरी पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है और खुद के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक रहता है, बिकॉज यू कैनॉट बाय इमरान खान। आप इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि 1,000 करोड़ रुपए लो और पाकिस्तान को नुकसान करो, वो 1 रुपए नहीं लेगा इंडिया से इमरान खान। पर इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा अभी भी, और जब प्रधानमंत्री था आपका तब भी नुकसान पहुंचा रहा था। वो जेन्यूनली बिलीव करता है कि वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की टांगें काटता है वो बिलीव करता है, जब वो पार्लियामेंट को आपके बिल्कुल नाकारा बना देता है वो बिलीव करता है वो अच्छा कर रहा है, जब वो आर्मी चीफ को गाली देता है या पाकिस्तानी फौज को ट्रेंड चलाता है उसके खिलाफ, वो दिल से बिलीव करता है कि पाकिस्तान का भला कर रहा है। देखो ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ना ऐसे असेट को 24 कैरेट असेट होता है ये चीमा साहब, बिकॉज यू कैनॉट बाय, आप उस बंदे की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते, ही इज प्री डिस्पोज, वो हार्डवायर्ड है। यू सी इमरान खान साहब के जो आसपास वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, यू दिस इज द राइट थिंग जो आप कर रहे हैं। तो मिस इन द सेंस कि हम तो ये शुक्र मना रहे हैं कि कहीं वो जो फॉरेन फंडिंग का केस ना खुल जाए, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरा मामला। आप लोग ढक्कन लगा के रखें फॉरेन फंडिंग का केस का, कि यहां से पैसे दे दिए, इतने पैसे आ गए, कुछ पैसे नहीं आए, खान साहब ईमानदार हैं और हम यहाँ पे बैठ के 10-15 सर्टिफिकेट तो हम भेज देंगे पाकिस्तान के ईमानदार हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खान साहब इज, मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए क्यों फायदेमंद है, बिकॉज ही जेन्यू, देखिए दिल से जो बंदा काम करता है ना वो बहुत कम मिलता है। आप पैसा लेके ना पाकिस्तान में मैं बंदा खरीद लूं, आप इंडिया में बंदा खरीद लो, लालची वहां पे भी हमारे यहां भी है, यू कैन बाय पीपल। पर अगर आपको ऐसा आइडियोलॉजिकल बंदा मिल जाए जिसको आपको ना बात करनी पड़े, ना पैसा देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं लगाऊं क्योंकि ये मेरा डिवाइन मिशन है, मेरे फरिश्तों ने ख्वाब में आके बोला था कि तुम्हें यह करना है, आप ऐसे बंदे को ना खरीद सकते ना उसको रोक सकते, वो रुकने वाला थोड़ा ना इमरान खान, ही इज अनस्टॉपेबल, और वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और उसने पूरे कौम को जो है पाकिस्तानी कौम को उसने लगा रखा है अपने पीछे, और पाकिस्तानी कौम धीरे धीरे, यू सी इट इज नॉट जस्ट दैट ही इज एन एसेट फॉर इंडिया, ही हैज मेड करोड़ ऑफ एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान। आप उस सेंस में देखें, वो एक बंदा नहीं है ना, इट्स नॉट अबाउट इमरान, एक बंदे की क्या औकात है, आपकी मेरी क्या औकात है अगर हम इंडिविजुअल हैं। पर अगर मैं ये कहूं कि मेरे पीछे 10 करोड़ बंदा खड़ा हुआ है, सो देन सडनली यू बिकम अ बिग डील, इंडिविजुअली गौरावारी या जीरो, मेरी कोई वक्त नहीं, मेरे पीछे अगर 10 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं। कहने की बात यह है कि कल इमरान खान अगर ये कहते हैं, ठीक है, इमरान खान के अंडर अगर डॉलर चली जाती है 250, इमरान खान आ जाते हैं वापस पावर में, 250 पे डॉलर चली जाती है, वो 10 करोड़ बंदे कहेंगे खान ने ठीक करा है, बिल्कुल खान गलत नहीं है, खान ठीक है, इसने 250-300 पे चला जाएगा, खान ने ठीक करा है। आप समझ रहे हैं, यू हैव एन आइडियोलॉजिकल असेट हु इज बियॉन्ड मनी, He is beyond pressure. He is ideological. वो कहते हैं ना जिहाद जिहाद, तो जिहाद जिहादी का यही तो है। जब कोई बंदा, मैं खान साहब को किसी टेररिस्ट से नहीं मिला रहा, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, माफी चाहूंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल, एक एनालॉजी दे रहा हूं कि आइडियल कौन, कोई पैसे के लिए बम लगा के नहीं फटता ना, वो बंदा एक्चुअली बिलीव करता है कि वो एक मिशन पे है और उससे फर्क पड़ेगा दुनिया पे अगर वो अपनी जान देगा। खान साहब इज लाइक दैट, ही इज ऑन अ डिवाइन मिशन, एंड ऐसे बंदे पे आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते, ये कोहिनूर है, ये अलग लेवल का आदमी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से मेजर गौरावर एक्सप्लेन कर रहे थे कि इमरान खान अगर पाकिस्तान में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, और ये होगा फ़ायदेमंद, मुझे भी लगता है, क्योंकि इमरान खान एक ऐसे मतलब लीडर हैं जो कि बिल्कुल पागल है। मतलब आप देखें US के सामने इनको भीख मांगना ही है और दम भी देना है, मतलब अजीब ही तरीके का इनका एटीट्यूड था। चीन पैसे नहीं देता है, चीन देता है लोन, किस्तों में देता है, ब्याज में देता है, इस तरीके से लोन देता है चीन, आपको लोन वो छुपाना पड़ेगा। तो चीन को लेकर आप समझ सकते हो, चीन से जो जो कंट्री जुड़ी उनकी हालत श्रीलंका जैसी होगी, तो पाकिस्तान भी शायद अब ऐसा लग रहा है कि इनके आर्मी चीफ इस वजह से US के ज़्यादा करीब होना चाहते हैं, और US के करीब होना मतलब भारत और US के अभी क्या रिलेशनशिप है, भारत के आगे झुकना पाकिस्तान ऐसा सोचता है,
ये ऑफिशियल तौर पर खबर चल रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, और ये खबर पक्की भी है, यूएस से बोला है कि भैया हमारा जो फंड वंड है आईएमएफ के पास फंसा हुआ है वो रिलीज़ करें, हमारी कंट्री के हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान का मेन पावर हाउस, अब देखें आप क्या होता है। अभी कुछ समय में पाकिस्तान में इलेक्शन होना बिल्कुल संभव है और इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब जनता का मूड देखा जाए तो जनता अभी जो 6 महीने की गवर्नमेंट है, जो इमरान खान के काले कर्म थे, वो पूरे 6 महीने की गवर्नमेंट के ऊपर आ गए। और सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी, इमरान खान को इनको पूरे टर्म पूरा करने देना चाहिए था, अगर अपोजिशन को सत्ता चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है इमरान खान आएंगे, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है भारत के लिए, बहुत अच्छा है भारत के लिए। आपको क्या लगता है, प्लीज़?